Subscribe to my channel and press the bell icon for newly updated videos. कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म डेब्यू ईयर 2011 में एक्ट्रेस नुसरत बरूचा के साथ फिल्म प्यार का पंचनामा से किया था। इमरान हाशमी ने अपना फिल्म डेब्यू 2003 में फिल्म फुटपाथ से किया था। फिल्म में आने से पहले वे 2002 में फिल्म रास के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे। दिलीप कुमार ने अपना फिल्म डेब्यू 1944 में फिल्म जवारभाटा से किया था। जैकी श्रॉफ ने अपना फिल्म डेब्यू 1982 में फिल्म स्वामी दादा से किया था। अनिल कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1979 में फिल्म हमारे तुम्हारे से किया था। तुषार कपूर ने अपना फिल्म डेब्यू करीना कपूर के साथ 2001 में फिल्म मुझे कुछ कहना है से किया था, जो कि एक तेलुगु रीमेक थी। विवेक ओबरॉय ने अपनी फिल्म डेब्यू 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डेब्यू एक्टर फॉर मेल का अवार्ड भी मिला था। सोहेल खान ने अपना फिल्म डेब्यू 2002 में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से किया था, जिसके राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी वे खुद थे। अरबाज खान ने अपना फिल्म डेब्यू 1996 में फिल्म दरार से किया था। फिल्म में उन्होंने एक विलन का रोल निभाया था। विनोद खन्ना ने अपना फिल्म डेब्यू 1968 में फिल्म मेरे अपने से किया था। अमरीश पुरी ने अपना फिल्म डेब्यू 1971 में फिल्म प्रेम पुजारी से किया था। परेश रावल ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू 1985 में फिल्म अर्जुन से किया था। कादर खान ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू 1973 में राजेश खन्ना की फिल्म दाग से किया था। सुनील दत्त ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की थी। शक्ति कपूर ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू 1977 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म खेल खिलाड़ी का से की थी। ओम पुरी ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू ईयर 1976 में फिल्म घासीराम कोतवाल से किया था। अनुपम खेर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू ईयर 1984 में फिल्म सारांश से किया था। जिमी शेरगिल ने अपनी फिल्म डेब्यू 2005 में एक पंजाबी फिल्म यारा नाल बहारा से किया था। उन्होंने बॉलीवुड में मोहब्बतें और दिल है तुम्हारा जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ और भी कई फिल्मों में काम किया है। अर्जुन कपूर ने अपनी फिल्म डेब्यू ईयर 2012 में फिल्म इशकजादे से किया था। शाहिद कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2003 में फिल्म इश्क विश्क से किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर से बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। ईशान खट्टर का फर्स्ट लुक चाइल्ड एक्टर के तौर पर शाहिद कपूर के फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी में आया था। उन्हें उनका फर्स्ट लीडिंग रोल 2018 में फिल्म धड़क से मिला। जॉनी इब्राहिम ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2003 में फिल्म जिस्म से किया था। इरफान खान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू ईयर 1988 में फिल्म सलाम बॉम्बे से किया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से किया था। नजरुद्दीन शाह ने अपना बॉलीवुड डेब्यू ईयर 1975 में फिल्म निशांत से किया था। आदित्य रॉय कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू ईयर 2009 में फिल्म लंदन ड्रीम्स से किया था। सुनील शेट्टी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1992 में दिव्या भारती के साथ फिल्म बलवान से किया था। मनोज बाजपेयी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू ईयर 1994 में फिल्म द्रोकाल से किया था। पुलकित सम्राट ने अपना बॉलीवुड डेब्यू ईयर 2012 में फिल्म बिट्टू बॉस से किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे कंटेंट से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।